ईलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के कौन से डिपार्टमेंट में, कौन सी यूनिवर्सिटी में नई नौकरियों की जो विज्ञप्ति है, जो प्रेस नोट है वो जारी किया गया है। तो यहाँ पे आपको बता दें, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, जो कि मंडी जिला के नेरचौक में स्थित है। इसी यूनिवर्सिटी के अंदर लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज भी है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, प्रेस नोट जारी किया गया है, 723 पदों से संबंधित है, अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी से संबंधित है। यानी कि आपकी जो जॉब रहेगी इसी यूनिवर्सिटी में रहेगी, तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। और 723 पदों के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। तो देखिए, 723 पद तो आपके यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के हैं, जिन्हें आप CHO के नाम से जानते हैं। 159 पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स की निकाली गई है। इसके साथ में 65 पोस्ट ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर की निकाली गई है। 36 वैकेंसीज यहां पे आपको देखने को मिलेगी लैब टेक्नीशियन की इन नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश ऑन NHM कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो देखिए, सुनहरा मौका है, काफ़ी संख्या में आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि आपकी CHO स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन से संबंधित है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें आप कैसे इसके लिए अप्लाई करेंगे। सिंपली आपको अपने गूगल क्रोम में जाना है, वहाँ पे टाइप करना होगा www.amruhp.ac.in। इस वेबसाइट में जाकर के आपको रिक्रूटमेंट के लिंक में जाना है, और उसके बाद आप आगे अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। विशेष ध्यान रखिएगा, 20 सितंबर 2022 से लेकर 2 अक्टूबर 2022 तक इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। तो यदि आप मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बता दें, रिटन टेस्ट आपका 9 अक्टूबर को रख दिया गया है। सारा शेड्यूल यहाँ पे फिक्स हो चुका है। यदि आपको अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो आप इनके ऑफिशियल नंबर है 01905243967, या व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे दर्शाया गया है 9459139364 पर आप संपर्क कर सकते हो। तो ये रिक्रूटमेंट नोटिस था आपका अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी से संबंधित। अगला जो नोटिस है, उसमें हम बात करेंगे रोजगार सेवकों के बारे में। तो आपको ज्ञात होगा, वर्ष 2021 के आसपास हिमाचल प्रदेश में 389 नई पंचायतों का गठन किया गया था। जब ये नई पंचायतें बनती है, तो वहाँ पे देखिए ग्रामीण रोजगार सेवकों की भी भर्ती होती है, पंचायत सचिव की भी भर्ती होती है। कुछ ही दिनों में आपको पंचायत सचिव की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो ये नवीनतम 389 पंचायतों का गठन किया गया है, इनके लिए 124 ग्राम रोजगार सेवकों के पद सृजित किए गए हैं। कुछ ही समय में इसकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, और इस हिसाब से अब आप हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो कुल जो रोजगार सेवकों की स्ट्रेंथ होगी वो 1205 तक पहुंच जाएगी। तो आप यहाँ पे भी ग्रामीण रोजगार सेवक के रूप में भी अपना करियर आने वाले समय में बना सकते हो। अगला वीडियो संबंधित है, अभी आपने देखा होगा जो टेट का एग्जामिनेशन होता है हिमाचल प्रदेश में, काफ़ी बड़ा उसमें एक परिवर्तन भी किया गया है कि आपको सिंगल टाइम उसको एक बार क्वालिफाई करना है, ताउम्र आपके पास फिर एलिजिबिलिटी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सरप्राइजिंग आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि आप ओवरऑल रिजल्ट की बात करें, तो 25% अभ्यर्थी ही इस अध्यापक पात्रता परीक्षा में पास हो पाए हैं, और TGT नॉन मेडिकल का तो बहुत ही कम रिजल्ट रहा है, महज 10% अभ्यर्थी इसमें पास हो चुके हैं। देखिए, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में जो रीडिंग हैबिट है, या कंपिटेटिव एग्ज़ाम को फेस करने की जो एक प्रोसेस है, उसमें कहीं ना कहीं ये कमी रह जा रही है। तो इसके लिए हम आपको बता दें, आप सिंपली ईलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट में जाइए। जब आप वहाँ पर जाएंगे, तो आपको बहुत सी किताबें मिल जाएगी। देखिए, आपके पास यदि अच्छी किताबें होगी, अच्छा फ्रेंड सर्कल होगा, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है। तो ईलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जाएंगे आप, तो कुछ बेहतरीन किताबें मिलेगी। ये किताबें ऐसे अध्यापकों के द्वारा बनाई गई है, जिन्होंने खुद उस तरह के एग्जाम क्वालिफाई भी किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको अपडेट कर दें वीडियो के अंत में कि ईलाइट स्टडी टीम के द्वारा GOIT का तृतीय एडिशन लॉन्च कर दिया गया है, बहुत सी नवीनतम जानकारियों के साथ में, और हिंदी का द्वितीय एडिशन भी लॉन्च कर दिया गया है, दोनों का आप लाभ उठा सकते हो। साथ में हम आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में HS, नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज, सब इंस्पेक्टर, CDPO,
TWO, EO, ACF, RO इत्यादि के 35 सॉल्वर्ड पेपर, साथ में मुख्य परीक्षा के पेपर भी आपके लिए एक ही किताब में अवेलेबल करवाया गया है। ये आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में पुस्तिका अवेलेबल है, तो आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास ये इमेज दिखा करके या फिर आप डायरेक्टली ईलाइ स्टडी कोरोटिन वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकती है। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है जो ये क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, इसमें से बहुत से प्रश्न रिपीट भी होते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा सचिवालय क्लर्क परीक्षा का जो एग्जाम हुआ था, बहुत से प्रश्न इसमें से रिपीट भी हुए थे। इसके अलावा हम आपको बता दें हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के कंसाइज वर्जन में बुक है जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अवेलेबल है। महात्मा गांधी के ऊपर विशेष सामग्री है। कुछ ही दिनों में आपने कॉलेज कैडर में हिस्ट्री और राजनीति विज्ञान की परीक्षा देनी है, तो उसके ऊपर भी किताबें ईलाइ स्टडी टीम के द्वारा पब्लिश कर दी गई है। किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा उससे पहले हिमाचल प्रदेश और यूनियन गवर्नमेंट का बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में ईलाइ स्टडी कोरोटिन वेबसाइट की संक्षिप्त पुस्तिकाएं अवेलेबल है, इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हो। तो आप आगे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग ईलाइ स्टडी यूट्यूब चैनल।